डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संरक्षी बल के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में, अर्थात संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कल हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ी थी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, तो उसको उपयोग में लेते हुए, उसको हम यूज़ करते हुए हम स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं यू आर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू आर, समाकलन करते हैं एफ डॉट डी आर का। अर्थात स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन थी, किसी कण को किसी संरक्षी बल क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु आर तक लाने में किया गया कार्य जो है वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हमने कहा यू आर इक्वल्स टू माइनस समाकलन इन्फिनिटिव टू आर एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर का हम इन्फिनिटिव से लेकर आर तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर एक। अब हमने कहा संरक्षी बल को यदि हम कहें तो एफ इक्वल्स टू आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, ये जो हमने यहाँ डिनोट किए हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है अलोंग टू एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये जो है ये संरक्षी बल के एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट है, घटक है। और हम बात करें डी आर की तो डी आर इक्वल्स टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो हमने कहा यदि आर की हम बात करें आर इक्वल्स टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो हमने कहा इसका हमने अवकलन कर लिया, तो डी आर इक्वल्स टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो हमने लिख लिया समीकरण नंबर दो और समीकरण नंबर तीन। समीकरण दो और तीन का उपयोग हम समीकरण एक में कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, तो F की जगह ये वैल्यू प्लेस हो गई और dr की जगह ये वैल्यू प्लेस हो गई और इनका हम अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ये हमने लिख लिया। तो हमने कहा ur की यदि बात करें तो ur इक्वल्स टू यू आर स्थिति ऊर्जा जो है वो स्थिति का फलन होती है। तो स्थिति हमारे पास होगी एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तो इसको हमने लिख लिया यू एक्स वाई जेड। अब हमने इसको तोड़ कर लिख लिया, तो हमने लिखा माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एक्स, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स, दूसरे में इन्फिनिटिव टू वाई एफ वाई डी वाई माइनस इन्फिनिटिव टू जेड एफ जेड डी जेड। इस जो समीकरण चार है, इस समीकरण चार का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेते हैं। जब हम आंशिक अवकलन करने गए तो इसका आंशिक अवकलन हमने किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया डेल यू एक्स सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। बाकी x का इन दो के लिए अवकलन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। इसी प्रकार एफ वाई जो है वो माइनस डी यू अपॉन डी वाई और एफ जेड जो है वो माइनस डी यू अपॉन डी जेड हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये उठाकर हमने यहाँ रख ली समीकरण दो में, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू समीकरण दो में रख लेते हैं। दो में रखी तो आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई प्लस के कैप माइनस डी यू अपॉन डी जेड, इसको हमने हल कर लिया। हल किया तो ये हो गया आई कैप डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी यू अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी यू अपॉन डी जेड और माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से यू हमने बाहर निकाल लिया तो ये यू हो गया, अंदर हो गया आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ आई कैप एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड सदिश अवकल संकारक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल कहलाता है। तो ये जो टर्म है इसको हम डेल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया डेल इक्वल्स टू माइनस
डेल यू, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। अतः संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरी बात हम करते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं संरक्षी बल का कर्ल, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के तुल्य होता है, ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया था। हमने प्रूव किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ, मतलब जो हमारा सदिश अवकल संकारक है, ठीक है, वेक्टर, डिफरेंशियल ऑपरेटर और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों का हम सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो माइनस एफ की हमने वैल्यू लिख ली, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू, तो माइनस डेल क्रॉस डेल यू इक्वल्स टू, ये टर्म लिख ली हमने, डेल यू की वैल्यू यहाँ से लिख ली। अब जब भी हम किसी सदिश का किसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इस मैट्रिक्स के द्वारा इसे हल कर सकते हैं। तो हमने कहा कर्ल ऑफ एफ आई केप जे केप के केप डेल अपॉन डेल एक्स, ये जो डेल था इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो इससे ये टर्म आ गई और डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड लिख लिया, और नेगेटिव जो है वो हमने यहाँ ये जो है नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने कहा आई कैप का मल्टीपल हमें लेना है, तो आई कैप के लिए इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का गुणा हम कर लेते हैं। तो आई कैप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई प्लस जे कैप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस, ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। जे कैप का लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, के कैप का लिखेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, और ये वैल्यू जो है हमने लिख ली। हमने कहा लेकिन U एक पूर्ण अवकलन है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, परफेक्ट डिफरेंशियल है जिसके लिए, तो इसके लिए हम कहें कि हमने पहले डेल U का डेल Z के रिस्पेक्ट में अवकलन किया और फिर हमने जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हमने डेल वाइस के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लिया U। तो ये टर्म बराबर आती है कब, जब हम डेल U का पहले डेल Y के रिस्पेक्ट में अवकलन करें और फिर हम जेड के रेस्पेक्ट में कर ले। तो ये टर्म दोनों बराबर होती हैं कब, जब यू एक पूर्ण अवकलन है। तो इससे हमें मिला डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल एक्स तथा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ प्लेस कर दी, ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस की, ये वैल्यू यहाँ प्लेस की, तो हमें रिजल्ट जो मिलता है कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो, अर्थात संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, सिद्ध कीजिए कि बल एफ एफ वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप संरक्षी बल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो फोर्स हमें गिवन है ये फोर्स दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो संरक्षी बलों के लिए डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो होता है। तो इसके लिए हमने डेल क्रॉस एफ निकाल लिया, डेल क्रॉस एफ निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को हम उपयोग में लेते हैं। मैट्रिक्स को लिखकर हमने कहा आई कैप के लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये दोनों साथ में मल्टी, तो एक्स वाई पर हमें ऑपरेट करना है डेल अपॉन डेल वाई, फिर एक्स जेड माइनस इसके ऊपर हमें ऑपरेट करना है ये टर्म। अब सिमिलर जे कैप के लिए यदि हम लिखें तो जे कैप पहले ये मल्टीप्लाई होंगे उसके बाद में ये मल्टीप्लाई होंगे, ये हमने ये लिख लिया। फिर प्लस के कैप के लिए यदि बात करें
तो के कैप के लिए बात करें, पहले ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये टर्म हमने लिखे। तो हमने कहा इसका जब हम अवकलन करते हैं तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, एक्स बाहर, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में एक, तो ये आ गया एक्स। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो यहाँ से भी रिजल्ट मिला एक्स, इसको हल करेंगे तो वाई माइनस वाई, इसे जब हम हल करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है जेड माइनस जेड, तो रिजल्ट कितना हो गया जीरो। तो हम कह सकते हैं अतः बल जो है एफ, ये क्या है, इसका कर्ल हमें शून्य प्राप्त होता है, इसलिए बल जो है संरक्षी बल है। तो हमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए प्रूव दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, कोई फोर्स हमें गिवन है और पूछें कि ये फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस स्थिति में हमें उसका कर्ल निकालना है। यदि कर्ल जीरो आता है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, और कर्ल यदि जीरो के बराबर नहीं होता तो फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब हमने आगे बात की कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है, लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो हमने कहा रेखीय प्रत्यानयन बल के लिए, तो हम जानते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग फोर्स स्थिति के समानुपाती होता है परंतु इसकी विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, तो उसके लिए हमने ये माइनस साइन का उपयोग करते हैं। तो हमने कहा कंजर्वेटिव सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब ये साइन हटाया हमने प्रोपोर्शनलिटी का तो हमें एक कांस्टेंट हमने काम में ले लिया, और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि रेखीय प्रत्यानयन पर लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। ये हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, जहाँ के इज ए कॉन्स्टेंट तथा आर माध्य स्थिति से विस्थापन है। माइनस साइन जो है ऋणात्मक चिन्ह, यह रिप्रेजेंट करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो हमें क्या करना है, आर की हमने वैल्यू लिख ली, आर इक्वल्स टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, रखकर वैल्यू निकाली तो इससे हमें मिलेगा फोर्स जो है वो माइनस आई कैप के एक्स माइनस जे कैप के वाई और माइनस के कैप के जेड प्राप्त होता है। तो इसका हमने क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल है। तो हम इसका क्या निकाल लें, कर्ल निकाल लें, तो कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो। तो कर्ल ऑफ एफ, तो इसको हम वही मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें हल करने के लिए सिमिलर वही प्रोसेस, जब आई कैप का मल्टीपल निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, इस प्रकार लिख लिया। जब हम जे कैप का निकालेंगे तो जे कैप के लिए पहले ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये हमने लिख लिया, और जब के कैप का हमें फाइंड आउट करना है के कैप का, तो पहले ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ यदि हम बात करें तो के कांस्टेंट और जेड जो है वो वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो ये टर्म हमें जीरो मिलेगी। सिमिलर के कांस्टेंट वाई जेड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो माइनस जीरो। यहाँ यदि बात करें के कांस्टेंट और जेड एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, इन दोनों की बात करें तो सिमिलर यहाँ से जीरो, इसी प्रकार यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। तो कर्ल ऑफ एफ जो है वो हमें जीरो के बराबर प्राप्त होता है, और जब भी किसी फोर्स का कर्ल जो है वो जीरो के बराबर है तो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हम कह सकते हैं अतः रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होता है। सो वी कैन से दैट कि लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव।